नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जलप्रपात के बारे में जहां मगरमच्छों का लगता है झुंड। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में नए नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि बिहार आने वाले पर्यटक बिहार के संस्कृति के साथ यहाँ की प्रकृति का भी आनंद उठा सकें। कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यह स्थान आम लोगों के बीच में एक पिकनिक का स्पॉट बन चुका है। बिहार सरकार भी इस जलप्रपात के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप करकटगढ़ जलप्रपात देखने ज़रूर जाएँ। बता दें कि यह मगरमच्छों के संरक्षण के लिए एक केंद्र भी बना हुआ है। यह बिहार का एकमात्र मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। इस संरक्षण केंद्र पर आपको अचानक से कई सारे मगरमच्छ दिखाई दे सकते हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। खासकर बच्चे इसका सबसे ज़्यादा आनंद उठाते हैं। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात करकटगढ़ गांव में स्थित है। इस जलप्रपात में क्रमनासा नदी के बहुत ही पास स्थित है। यह भी कहा जाता है कि यूपी में बने एक बांध से पानी करकटगढ़ गांव तक पहुंचता है और उसके बाद से यह पानी जलप्रपात में जाता है। यहां से पानी 500 फीट की गहराई में गिरता है। लोग इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बता दें कि इस जलप्रपात का नाम अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। लोग छुट्टियों में अपना समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस जलप्रपात के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह मात्र ऐसा जलप्रपात है जहाँ पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों मगरमच्छ हैं जो कि पानी में रहते हैं। ठंड के दिनों में यहाँ मगरमच्छ धूप लेने के लिए पानी से बाहर निकलता है। इस दौरान वे पत्थरों पर जाकर बैठ जाते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए भी लोग यहाँ बहुत ही मात्रा में पहुँचते हैं। हालांकि वन विभाग ने इसको लेकर वहाँ पे पूरा बेहतर इंतजाम किया है ताकि लोग मगरमच्छ के पास न जा सकें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि मगरमच्छ जलप्रपात में न पहुँच पाए। कैमूर के जलाशय में 25 से 30 मगरमच्छ हैं। यहाँ बारहमासी जलप्रपात होने के कारण मगरमच्छ की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति की गोद में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात इको टूरिज्म का केंद्र बिंदु बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी सड़कों की समस्या है जिसे बहुत ही जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर संचार की सुविधा बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गर्मी है उसी हालात में भी अगर यहाँ जलप्रपात में जल का प्रवाह हो रहा है तो यह अच्छी बात है। आपको बता दें कि जब इससे पहले वह यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने इको टूरिज्म पार्क की आधारशिला रखी थी। आज यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को लुभा रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लोग करकटगढ़ को देखने के लिए पहुँचेंगे। करकटगढ़ को देखते हुए सीएम नीतीश ने भी कहा था कि यह क्या अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उन्हें यहां अच्छा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि करकटगढ़ को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करें, पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाए, इसके पर्यटकों की सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा हो, इसके लिए क्षेत्र सुनिश्चित कर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर पब्लिसिटी हो जाए तो यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि स्कूली बच्चों को यहाँ जरूर लाएं ताकि वो जो है मगरमच्छ देख सकें, साथ ही साथ इस पूरी प्रकृति का आनंद उठा सकें। बिहार सरकार इन दिनों लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने पे काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार करकटगढ़ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने इस पूरे बारहमासी जलप्रपात को देखा और उसको डेवलपमेंट करने की बात कही। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।